इस विजिट का मेन मकसद जो है हम लोगों को जितनी भी ट्रैफिक वायलेशंस है उनको कर्ब करना है, खासकर जो हमें बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके थ्रू, आम लोगों के थ्रू, कि जी यहाँ पे जो ये जो डंपर और टिपर्स हैं, ये एक तो इनमें नंबर प्लेट्स नहीं है, इनके पेपर्स नहीं है, उस चीज़ को कर्ब करने के लिए डायरेक्शंस जो है हमें RTO साहब ने और ARTO बड़गाम ने पास ऑन की, उस चीज़ को कर्ब करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वायलेशंस ना हो? इसमें एक्चुअली जो भी मालिक गाड़ी, जो भी गाड़ियों के मालिकान साहबान हैं, उनको एक खुद भी पता होना चाहिए कि उनकी गाड़ी है, उनको एक टाइम पे फिटनेस करनी है, उनको परमिट कराना है, उनको अपने जितने भी पेपर्स हैं वो रेगुलरली अपडेट करने चाहिए। तो अगर वो करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई वायलेशन की किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे आपका बेसिक है कि आपको सीट बेल्ट मस्ट है, जैसे आपका बेसिक है किसी भी गाड़ी में आपको SLD स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होना चाहिए, तो इनको ये चेक करना है, इनको वक्तन फवक्तन अपने पेपर्स को चेक करना, अपना इंश्योरेंस देखना, अपना PUC पोल्यूशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी का, तो इनको ये देखना चाहिए। जब ये लोग वायलेशन करते हैं तो फिर ये कहते हैं जी हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं, राइट? तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, इस ट्रैफिक वायलेशन को कर्ब करने के लिए आज हमने यहाँ पे चेकिंग का दिन रखा है ट्रैफिक वालों की के साथ, एक मिलके हम एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक हमने तीन गाड़ियां सीज की हैं और मुझे लगता है हम फर्दर और गाड़ियां सीज करेंगे। ग्राउंड में सर क्या लगा आपको? ग्राउंड में मुझे ये लगा, खास करके जो डंपर्स हैं ये विदाउट HSRP चलते हैं और ये कहीं कोई एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तो उस टाइम इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो ये नंबर प्लेट के बिना है इनको हम कोई भी डील नहीं दे रहे, इनको हम बस फर्स्ट इंस्टेंस में इनको सीज करके कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर रहे हैं।